प्यारे बच्चों, आज आपने हनीकूम का जो पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन है, थ्री क्वेश्चंस, उसकी रीडिंग की है। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, हो सकता है आपको मुश्किल लग रहे हों, तो उनके मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। और आपको अपनी नोटबुक में इन सभी शब्दों को लिख लेना है और मुझे भी चेक कराना है और लर्न भी करना है। इंग्लिश बुक हनीकूम और फर्स्ट लेसन थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट वर्ड है, पहला वर्ड आपको अंडरलाइन करना है, सीक, SEEK, सीक। इसका मतलब तलाश करना होता है, टू सर्च। किसी भी चीज़ को तलाश करते हैं तो सीक वर्ड आप यूज कर सकते हो। थॉट, ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म थिंक होती है। थिंक मीन्स सोचना, थॉट मीन्स सोचा। सर्टिन, CERTAIN, सर्टिन, निश्चित, इसका मतलब होता है सर्टिन। डेफिनिट, निश्चित। मैसेंजर, संदेशवाहक होते हैं, मैसेंजर, संदेशवाहक। और फिर है थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स तमाम, फुल, कंप्लीट। थ्रू आउट लाइफ, तमाम जीवन। थ्रू आउट नाइट, सारी रात, जैसे कह देते हैं थ्रू आउट मीन्स सारी, थ्रू आउट नाइट। अगर नाइट लगा दें थ्रू आउट के साथ साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तमाम रात, सारी रात। किंगडम, साम्राज्य होता है, किंग से बना है, किंगडम संज्ञा है, नाउन है, किंग भी नाउन है, किंगडम साम्राज्य। प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग का मतलब होनहार से मतलब है, प्रोमिसिंग का मतलब होनहार भी होता है, होनहार। और प्रोमिस, इसका रूट वर्ड प्रोमिस है, PROMISE, प्रोमिस वादा होता है। तो ING अगर लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, वादा करते हुए, प्रोमिसिंग, वादा करते हुए, यहाँ इसका मतलब वादा करते हुए। अ लार्ज सम ऑफ मनी, मनी धन होता है, धन। लार्ज सम, सम मीन्स मात्रा, धन की एक बहुत बड़ी मात्रा के लिए यूज किया जा सकता है। अगर सेंटेंस बोले हम, ही हैज़ ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसके पास ढेर सारा धन है, तो लार्ज सम का मतलब ढेर सारा, कुछ भी हो सकता है, ढेर सारा। डिफरेंटली, भिन्न भिन्न रूप से, अलग, जिसमें अंतर होता है, अलग तरीके से भी कह सकते हैं। प्रिपेयर, तैयारी करना, बनाना भी होता है, जैसे माई मदर इज़ कुकिंग फूड की जगह आप कहो माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपेयर करना, तैयार करना। फॉलो, अनुसरण करना, किसी के पीछे पीछे चलना भी होता है, फॉलो करना। स्ट्रिक्टली, कठोरता के साथ। प्रॉपर मीन्स उचित, प्रॉपर उचित। इम्पॉसिबल, असंभव। डिसाइड, निर्णय करना। नोटिस, ध्यान देना, देखना भी होता है नोटिस। अवॉइड, बचना, अवॉइड बचना होता है, इसको आप कह सकते हो प्लीज़ अवॉइड मीटिंग विद पीपल दीज डेज। प्लेजर्स, प्लेजर्स खुशी, डिलाइट्स। फुलिश, बेवकूफ़ी पूर्ण। व्हाटएवर, जो कुछ भी, व्हाटएवर मीन्स जो कुछ भी। सीम्ड, प्रतीत हुआ। नेसेसरी, आवश्यक। नीडेड, रिक्वायर्ड, नीडेड का मतलब ज़रूरी, नीड से बना है, नीड इसका रूट वर्ड है, प्रेजेंट टेंस में नीड, पास्ट टेंस में नीडेड। नीड मीन्स आवश्यकता होना, और नीड का मतलब आवश्यकता भी होता है। नीडेड, उसे ज़रूरत थी, ये मतलब भी निकाला जा सकता है। अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब अति आवश्यक। रिलीजियस, धार्मिक होता है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट। वर्शिप, पूजा करना, वर्शिप, पूजा करना। वाइडली, दूर दूर तक, वाइडली, दूर दूर तक। नॉन, प्रसिद्ध। हर्मिट, सन्यासी। ऑर्डिनरी, साधारण। रीच्ड, पहुंच गया। बॉडीगार्ड, अंगरक्षक। डिगिंग, खोदते हुए। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसी चीज़ के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, जैसे कह देते हैं मेरे घर के सामने। ग्रीटिड, ग्रीट से बना है, ग्रीट रूट वर्ड है, ग्रीट, ग्रीटिड, ग्रीटिड, ग्रीट मैंने अभिनंदन करना। ब्रीथ्ड हैवीली,
भारी सांस लेना, लंबे सांस, जैसे खींच खींच के सांस लेते हैं, दिक्कत हो अगर सांस लेने में तो कहेंगे ही इज़ ब्रीदिंग हैवीली। अफेयर्स, मामला, स्पेड कसी होता है, औजार होता है जिससे ज़मीन खोदी जाती है। रिपीट, दोहराना। स्ट्रेचिंग, फैलाते हुए, आईएनजी जब लगाते हैं तो कोई क्रिया करते हुए ऐसे दिखाते हैं, जैसे स्ट्रेच मैंने फैलाना, हाथ फैलाना या कोई भी चीज़ फैलाना, आईएनजी लगा दो, फैलाते हुए। लेट मी वर्क, ये सेंटेंस है, मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। जब आप किसी से अनुमति मांगते हो तो लेट का यूज़ करते हैं, लेट मीन्स अलाओ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, इस तरह से यूज़ होता है इसका। बिहाइंड मीन्स पीछे। स्टक मैंने, जैसे कोई फंस जाता है कहीं पे, जैसे जाम में फंस जाते हैं, ही इज़ स्टक इन द जैम, और आप कह सकते हैं ही इज़ स्टक इन द लॉकडाउन। हियर कम्स समवन, जब आप हियर कम्स यूज़ करते हैं तो किसी का ध्यान खींचने के लिए आप बोलते हो, देखो वो आ रहा है, जैसे कह देते हैं हियर कम्स मिस्टर सो एंड सो, हियर कम्स राजेश, देखो राजेश आता है, आता है नहीं कहते, देखो वो आ रहा है, इस सेंस में लेते हैं इसका मतलब। टूवर्ड्स मीन्स की तरफ। ही वेंट टूवर्ड्स होम, वह घर की तरफ गया। बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति। बियर्ड दाढ़ी होती है, तो ईडी लगा के ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण बन जाता है दाढ़ी वाला व्यक्ति। स्टमक, पेट, उदर कहते हैं जिसे। फ्लोविंग, बहते हुए, पानी द्रव्य के बहने को फ्लो कहते हैं, जैसे पानी बह रहा है तो क्या कहोगे, वाटर इज फ्लोविंग, द रिवर इज फ्लोविंग, नदी बह रही है। फेंटेड, बेहोश हो गया, जब ईडी लगे हुए हैं, जितने भी ये वर्ब्स हैं ये सेकंड फॉर्म को शो कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज़ है इनका। फेंट फर्स्ट फॉर्म होती है, फेंटेड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी फेंटेड होती है, बेहोश हो गया। रिमूव्ड, हटा दिया, रिमूव कर देना कोई चीज़ कहीं से, हटा दो, रिमूव करना। लार्ज साइज़ में, जो बड़ी होती है उसे लार्ज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कवर्ड, कवर्ड मैंने ढक देना, कवर से बना, COVER, कवर। और ड्रेस्ड द वुंड, वुंड क्या होता है, जख्म, ड्रेस करना क्या होता है, पट्टी वगैरह लगाना। ब्लीडिंग, खून के बहने को ब्लीड करना कहते हैं, तो ब्लीडिंग, खून बहते हुए। कैरिड, कैरी से बना है, ले गया, कैरी करना, ले जाना। क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, और एक क्वाइट होता है, इनको अलग से लेंगे हम, ऐसे शब्द जो अलग से जिनके डिफरेंस होते हैं। अवोक, जाग गया, अवोक मीन्स जाग गया, नींद से जागना, अवेक होता है, अवेक, अवोक, अवोकन, ये इसकी फॉर्म्स हैं वर्ब की, इनको अलग से नोट करोगे आप। स्ट्रेंज, अजीब। लाइंग, लेटे हुए। फॉरगिव, माफ़ करना, क्षमा करना। रिवेंज, बदला। स्वोर, स्वेयर से बना है, स्वोर कसम खाई। सीज्ड, काबू कर लिया, सीज मीन्स कंट्रोल कर लेना। प्रॉपर्टी, जो संपत्ति होती है उसे कहते हैं। मेड अप माई माइंड, पूरी लाइन का मतलब फ्रेज है ये, मेड अप माई माइंड, मन बना लिया। ही मेड अप हिज माइंड, अगर हम कहें उसने अपना मन बना लिया, उसने घर जाने का अपना मन बना लिया, ही मेड अप हिज माइंड टू गो होम। हाइडिंग प्लेस, ऐसी जगह जहाँ कोई छुपता है, हाइडिंग मैंने छुपने की, हाइड से बना है, हाइड मैंने छुपना। कम अपॉन, यहाँ पे मिलने से मतलब है, किसी से आप मिलते हो तो अपॉन लगा देते हो, कम अपॉन। रिकग्नाइज, पहचानना, रिकग्नाइज्ड, पहचान लिया। सेव मीन्स बचाना, जान बचाना किसी की, सेव्ड सेकंड फॉर्म है, जान बचा ली। मोस्ट फेथफुल, जो सबसे अधिक फेथफुल होता है, फेथफुल क्या होता है, विश्वास पात्र, सबसे अधिक विश्वास पात्र। नेक्स्ट सोविंग, सो करना, बीज बोना, सोविंग यहाँ पे बीज बोते हुए।
बेड्स यहाँ पे क्यारियों से मतलब है, जैसे फ्लावर बेड्स होती हैं, फूलों की क्यारियाँ होती हैं। बेंडिंग, बेंड करना, झुकना, तो बेंडिंग, बेंड झुकते हुए। पिटी, पिटी से बना है, पिटीड, तरस खाया। पिटी मीन्स दया करना किसी पे। वट डू यू मीन, वट डू यू मीन, अगर आप कहते हो किसी को, वट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, इसका मतलब ये होता है। पर्टिकुलर मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, क्षण, पर्टिकुलर विशेष, किसी विशेष क्षण। कुछ वर्ब की फॉर्म्स लेते हैं आपके लिए, ये अलग से आपको लर्न करनी है। जितने भी वर्ड्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, सभी को लिखना भी है और लर्न करना है, स्पेलिंग भी लर्न करने हैं इनके। सीक, सीक हमने लिया था, सीक मीन्स तलाश करना, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है सीक। सॉट, सॉट, स्पेलिंग आप देख रहे हैं ऊपर। थिंक, थॉट, थॉट, थिंक मीन्स सोचना। प्रोमिस, वादा, वादा करना, प्रोमिस, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड। प्रिपेयर, तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। डिसाइड, निश्चय करना, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। नोटिस, देखना या ध्यान देना, नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड। अवॉइड, बचना, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। सीम, प्रतीत होना, सीम्ड, सीम्ड। नीड, आवश्यकता होना, नीड, नीडिड, नीडिड। सेटिस्फाई, संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। वर्शिप, पूजा करना, वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। नो, जानना, नो, न्यू, नोन। रीच, पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड। जब चा साउंड होती है, ईडी लगती है, तो ये टा में बदल जाती है, रीच्ड, रीच्ड नहीं बोलोगे आप। इसी तरह से आपने ऊपर एक वर्ड वर्शिप बोला, पा साउंड भी टा में बदल जाती है, वर्शिप्ड, आप ये नहीं कहोगे, वर्शिप्ड। रीच, पहुंचना, रीच्ड, चा साउंड के बाद भी रीच्ड। डिग, डग, डग। डिग, खोदना, डग, डग, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ग्रीट, अभिनंदन करना, ग्रीटिड, ग्रीटिड। रिपीट, दोहराना, रिपीटिड, रिपीटिड। स्ट्रेच, फैलाना, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड। चा के बाद टा साउंड बन जाती है ईडी की। स्टक, स्टक, अटक जाना, फंस जाना या चिपक जाना भी कहते हैं। फ्लो, बहना होता है किसी द्रव्य का, फ्लो, फ्लोज, फ्लोज। कवर, कवर का मतलब ढकना किसी चीज़ को, कपड़े से या किसी चीज़ से, कवर्ड, कवर्ड। ड्रेस, ड्रेस भी होती है परंतु वर्ब के रूप में ले रहे हैं, तो ड्रेस, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड। ड्रेसअप, अप लगा दें तो वस्त्र पहनना हो जाता है। ड्रेसअप द वुंड, जैसे वुंड के साथ यूज़ किया तो मरहम पट्टी करना। ब्लीड, खून के बहने को कहते हैं ब्लीड, ब्लीड, ब्लड, ब्लड। नेक्स्ट है कैरी, कैरी मैंने ले जाना, कैरी, कैरिड, कैरिड। अवेक, अवोक, अवोकन। अवेक मीन्स जागना। लाई, लाई को समझ लो, पहला हम लेते हैं LIE, झूठ बोलना, इसकी फॉर्म्स होंगी लाई, लाई, लाइड, लाइट। दूसरा लाई है LIE, लेटना, लाई, ले, लेन। और फिर है ले, LAY। ले मीन्स किसी वस्तु को कहीं पे रखना, जैसे टेबल पे भोजन रखते हैं तो ले करना होता है, ले द टेबल। अगर आप ये कहना चाहो कि भोजन लगा दो, आप कहोगे ले द टेबल, तो ले, लेट, लेट, LAID, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। ले मीन्स अंडे देना भी होता है, द हैन हैज़ लेड एग्स, मुर्गी ने अंडे दिए हैं, तो ले फर्स्ट फॉर्म है LAY। फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। फॉरगिव मीन्स माफ करना, क्षमा करना। स्वेयर, कसम खाना, स्वेयर, स्वोर, स्वोर्न। सीज, SEIZD, सीज मीन्स कंट्रोल करना, काबू कर लेना, सीज, सीज्ड, सीज्ड। हाइड, छुपना, हाइड, हिड, हिडन। रिकग्नाइज, पहचानना, रिकग्नाइज, रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज्ड। सेव, बचाना, किसी के जीवन को बचाना भी सेव करना होता है, SAVE। धन बचाना, वो भी बचत करना भी सेविंग होता है, जैसे सेव, सेव से बना, सेव फर्स्ट फॉर्म है, सेव, सेव्ड, सेव्ड। नेक्स्ट वर्ड है बेंड, बेंड मीन्स झुकना, बेंड, बेंट, बेंट।
पिटी दया करना, पिटीड पिटीड पिटी पिटीड पिटीड, सो सो एस ओ डब्ल्यू सो मैंने बीज बोना, सो सॉफ्ट सॉफ्ट। प्यारे विद्यार्थियों, अब कुछ ऐसे वर्ड्स लेता हूँ जिनकी प्रोनंसिएशन कुछ डिफरेंट है, आप उसको अलग से बोल के देखोगे। वर्ड है प्लेजर, प्लेजर, ना तो ये प्लेजर है ना ये प्लेशर है, ये प्लेजर, शा और जा के बीच की साउंड है प्लेजर। वर्ड है नेसेसरी, इसे नेसेसरी नहीं कहोगे, जबकि बहुत से लोग इसे नेसेसरी बोलते हैं। द वर्ड इज नेसेसरी, नेसेसरी। मजिशन, मजिशन, मैजिशियन नहीं है, दिस इज मैजिशन, मैजिशन। स्टमक, स्टमक, उदर पेट जिसे कहते हैं स्टमक, ये स्टमच नहीं है, चा साउंड नहीं है, का साउंड है। रिकग्नाइज, रिकग्नाइज मीन्स पहचान लेना, किसी की शक्ल को पहचानना जैसे। फिर है क्वाइट, क्वाइट, शांत, क्यू यू आई ई टी। फिर क्यू यू आई टी ई को कैसे बोलोगे आप, क्वाइट, दिस इज क्वाइट, बिल्कुल, जिसका मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल शांत, ही वॉज क्वाइट साइलेंट। फिर है क्विट, क्यू यू आई टी, क्विट मीन्स छोड़ देना, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मोमेंट और मूवमेंट में आपको अंतर बताता हूँ। मोमेंट एम ओ एम ई एन टी का अर्थ होता है पल, क्षण जिसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों के बाद। नेक्स्ट है मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स हरकत, जब आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हो तो इसको मूवमेंट बोलते हैं। और मूवमेंट आंदोलन भी होता है, जैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन चला भारत में। अब ये फ्रेजेस हैं, कुछ सेंटेंस टाइप हैं। ए लार्ज सम ऑफ, अधिक मात्रा में जैसे कहते हैं, ही हैज़ ए लार्ज सम ऑफ मनी। लेट मी वर्क, लेट मी गो का अभिप्राय होगा, प्लीज़ लगा दो तो कृपया हो जाएगा, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ लेट मी वर्क, कृपया मुझे कार्य करने दो, लेट मी सिट हियर, कृपया मुझे यहाँ बैठने दो। हियर कम्स, ये ध्यान खींचने के लिए यूज़ होता है, देखो वो आ रहा है, जब आप कहते हो देखो वो आ रहा है, हियर कम्स ही। टू मेक वंस माइंड, अपना मन बनाना, किसी का मन, ही मेड अप हिज माइंड जैसे कह देते हैं, उसने अपना मन बना लिया। टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, इट्स गुड टू मेक पीस विद अदर्स, दूसरों के साथ शांति बनाए रखना अच्छी बात है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अभिप्राय है, आपका क्या मतलब है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको इस लेसन में वर्ड्स मिले थे, आप इनको सबको लिखोगे अपनी नोटबुक में, यू विल राइट देम इन योर नोटबुक एंड देन लर्न देम विद स्पेलिंग्स आल्सो, विद देयर मीनिंग एज वेल एज विद देयर स्पेलिंग्स, यू विल हैव टू लर्न देम। और लिखने के बाद आप अपनी नोटबुक की पिक लेके ग्रुप में शो करोगे, दिखाओगे। तो आज का इतना ही, टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।